नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की तरफ से जो है एक अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकल के आई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी ट्रेड के लिए आपकी जो है वैकेंसी आई है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, वो सारी चीज़ें आपकी यहीं पर एक वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आपके लिए क्या क्या अपडेट दी गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो आपकी अपडेट आई है किसके अंदर आई है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि जो है ये सेल जो है राउरकेला जो है स्टील प्लांट जो है उसके अंदर आपकी आई है। ये किसके अंदर आई हुई है, तो अप्रेंटिसशिप अंडर एक्ट जो है वो उसके अंदर आई हुई है। और यहाँ पर जो है ट्रेनिंग जो है 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड के लिए आपको जो है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए पोस्ट निकाली गई है। अगर अपने बात करें तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको दी गई है कि कौन कौन से ट्रेड जो है उसके लिए अप्रेंटिसशिप के लिए पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, देख सकते हो आप, यहाँ पर केमिकल प्लांट है या फिर आपका जो है कोपा है, डीजल मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिटर है, इन सभी के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी हुई है कि ITI पास आउट होना चाहिए आपका। यहाँ पर आपको जो है पोस्ट जो है उसकी डिटेल दी गई कि कितनी कितनी पोस्टें जो है वो आपकी कौन कौन सी ट्रेड के अंदर रहने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, अब इसके बाद में अगर अपने बात करें, टोटल 172 पोस्ट रहने वाली है जो अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग रहने वाली है। जिसके बाद में अगर अपने बात करें तो यहाँ पर जो है अगर अपने बात करें एज लिमिट जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो 18 से लेकर 24 साल तक आपकी एज लिमिट के लिए बोला गया कि एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से लेकर 24 साल तक होनी चाहिए, जो आपका जो है 30/9/2022 तक जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। और अप्रेंटिसशिप इंडिया के जो है वो आपके तहत तो आपका जो भी आपको पे किया जाता है वो किया जाएगा यहाँ पे। और अगर अपने बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जो आपका जो मेरिट लिस्ट है उसके बेस पे आपका जो है परसेंटेज बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, जो आपका ITI के या फिर जो सर्टिफिकेट है ट्रेड के उनके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद में जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, जिसके बाद में अप्लाई करने की आपको लास्ट डेट बताई गई है कि फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30/9/2022 रहने वाली है। तो अगर आप भी एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। और आपको फॉर्म अप्लाई जो है करना कहाँ पे है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि apprenticeshipindia.org के ऊपर जाके आपको जो है अब फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो है सारी की सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है लगभग जो है। अगर आप भी एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। और अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है कि आपको एक मौका मिल जाएगा वहां जाने के बाद में तैयारी करने का भी और पढ़ने का भी, और जो है आपके पास थोड़ा सा जो है पैसे वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्यूशन हो जाएगी, क्योंकि आपको एक साल तक वहाँ पर कुछ ना कुछ पे भी किया जाएगा, साथ में आपको काम भी सीखने को मिलेगा। बाकी उम्मीद करूँगा कि ये वैकेंसी जो है हो सकता है आपके लिए हो, अगर आपके लिए नहीं है तो आप अपने साथी मित्र तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हो सकता है उनके लिए हो। तो मिलेंगे बाकी इसी तरह की एक और अपडेट के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।